नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं हूं आपके साथ कंचन सिंह राजपूत। आइए शुरुआत करते हैं खबर की ओर। जैसे नगर इन दिनों ग्राम भाटीगावा से चुंदी नदी से राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के रोक के बावजूद भी धरल्ले से अवैध रेत खनन परिवहन का कार्य चल रहा। विगत दिनों से ग्राम के लोग अवैध खनन को लेकर पुलिस कप्तान तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश अभी तक खनन पर किसी तरह का रोक नहीं लग पाया। सूत्रों के अनुसार सुबह से लेकर पूरी रात बीरोक टोक रेत खनन का कार्य संचालित है। कानून का भय नहीं रहा। खनन माफियाओं पर प्रशासन मौन श्रीकत्र का। जब ग्रामीणों ने विरोध कर रात में खनन माफियाओं का ट्रैक्टर रोकने का असफल प्रयास किया तो बेकसूर ग्रामीण को ही हवालात की रोटी खानी पड़ गई, जिससे साफ जाहिर होता है कि उक्त अवैध खनन बाकी के सह पर ही हो रही है। हालांकि संपूर्ण थाना क्षेत्र इन दिनों माफियाओं के गिरफ्त में समाया हुआ है। कहीं अवैध खनन तो कहीं अवैध शराब की पेकारी तो कहीं मादक पदार्थों का क्रय विक्रय बेलगाम जारी है। अब देखना होगा कि अवैध गतिविधियों को प्रशासन का तक रोक पाती है या मौन शिकत्र जारी रहेगी। शहडोल से ब्यूरो रिपोर्टर सुनील द्विवेदी की रिपोर्ट। लगभग 10-11 बजे करीब हमारे गांव से जो रेत उत्खनन हो रहा है अलीगल तरीके से चल रही है, जिसका विरोध गांव वालों ने किया। कल ऐसे ही मामला एक सामने आया, जो 2-3 ट्रैक्टर अवैध खनन के लिए आए थे। इसके बाद हमारे जो लोग थे गांव के युवा लोग 2-4 लोग गए थे। इसके बाद जब युवा वहाँ पहुँचे मौके पर तो उन्होंने षडयंत्र पूर्वक पुलिस को फ़ोन लगा दिया और ट्रैक्टर रेत माफियाओं के द्वारा ट्रैक्टर को बरी कर दिया गया। लेकिन जो लोग गए थे, जैसे युवा लोग गए थे, उनके ऊपर और TI महोदय के द्वारा उनके ऊपर मारपीट भी किया गया है। और उनका साफ कहना था, अगर कोई भी हमारा तो अथॉरिटी है कि अगर कोई भी अगर हमें गिरफ्तार कर रहा है तो हमारी पूछना अथॉरिटी है किस एक्ट के तहत आप हमें गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन उनके द्वारा TI महोदय के द्वारा साफ गुंडागर्दी अपनाया जाता है। उनको बोला जाता है कि आप क्या उखाड़ लोगे, ये कोई बात है? अगर हम जनता हैं, आप जनता की सेवा के लिए बने, आप ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? ये सब चीज़ें और गांव के लोग आए दिनों से इस सब चीज़ों से परेशान है। कुछ दिन पहले हमारे भाइयों के इन दोनों भाइयों को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो कोई नोटिस जारी नहीं किया गया, कोई नोटिस जारी TI के द्वारा नहीं किया गया। इसके बाद इनको डायरेक्ट घर में जाके बोला जाता है कि आप थाने में आइए। घर में जाने के बाद आप आश्वासन भी दिया जाता है कि आपको थाने में कुछ नहीं किया जाएगा, लेकिन जैसे ये लोग थाने में पहुँचते हैं TI महोदय द्वारा इनको तुरंत जेल के अंदर मेड़ दिया जाता है और कहा जाता है कि आप लोग पेशी क्यों नहीं आते हैं। जब आप नोटिस ही जारी नहीं किए हैं, इनको पता ही नहीं है कि किस एक्ट के तहत आप कैसे इनके ऊपर मुकदमा दर्ज किए हैं, तो ये लोग कहां से पेशी जाएंगे सर? और आए दिनों से TI महोदय जैसी नगर के और जितने भी पुलिस महोदय हैं बहुत जनताओं को परेशान करते हैं। हमारे गांव के बहुत ठीक यहाँ हम लोग शिकायत करने आए, हम ये मांग रखे हैं हमें जल्द से जल्द जो भी इसका दोषी हो उसका जांच करवाया जाए और TI महोदय के भी उक्त जांच करवाए। जो हमारी मांगे हैं उसमें TI महोदय को जांच किया जाए, अगर TI महोदय दोषी निकलते हैं उसको वहाँ से निलंबित किया जाए। और TI महोदय के द्वारा इस तरह से गलत पूर्वक व्यवहार जो किया जाता है गाँव के साथ, तो इसके मामले में भी SP महोदय ये ध्यान दें। और अगर इनका कार्यवाही नहीं होता है तो आने वाले समय में हम आगे भी जाएंगे और उग्र आंदोलन करेंगे, जिसके पूरी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी। अभी के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।